हेलो गाइस, क्या चल? आपने पुराने वीडियो में देखा होगा स्मार्ट टॉर्च वाला एपिसोड, बट इस बार के एपिसोड में मैं लाया हूँ, मैं बनाने वाला हूँ एंड पोर्टल। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एंड पोर्टल तो जाना पड़ता है, तू कैसे बनाएगा? गाइस, बनाना भी इजी है, वहाँ पर आपका एंड पोर्टल में जाना, एंड पोर्टल के जहाँ पर जो एंड पोर्टल होता है वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ से आपको अपने घर के पास बनाना है तो सिर्फ टच पिकैक्स से नहीं होता, वो आपको क्रिएटिव में लाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया वहाँ से, इसलिए मैं क्रिएटिव में गया था एक दिन कि भाई मैं उतना दूर क्यों जाऊँ एंड पोर्टल ढूँढने। तो मैंने क्या किया, घर के पास ही सोचा एक एंड पोर्टल बना लूँ, सो मैं घर के पास भी होगा और मैं भी आ पाऊँगा इजीली। सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा आप चीटिंग करते हैं, पर आपको बोल के करूँगा, जो करूँगा आपको बोल के करूँगा, बिकॉज आई एम सो लॉयल। मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलने वाला गाइस, जो करूँगा वो सबसे अच्छी सच्ची बोल दूँगा। सो गाइस, मैं गया था क्रिएटिव में, आप लोग मेरे से पहुँचा गुस्सा हो जाओगे भाई, तू क्रिएटिव पे क्यों जाएगा, सर्वाइवल सीरीज़ है, सर्वाइवल नहीं है, मज़े वाला सीरीज है। ये देखो 12, ये मैं उतने उतने ही लेकर आई हूँ, पर मेरे को एंड पोर्टल में जाने का कोई मन नहीं है। ओके गाइस, तो इसलिए मैं संभल संभल के लगाऊंगा यहाँ पर, एक दो तीन, एक दो तीन, और यहाँ पर ए हे हाई गलती कर दिया, एक दो शिट यार, तीन, एक, भाई मैंने गलती कर दी, अब मैं दो गलत बिठा चुका हूँ। इधर इधर देखते हैं, ये तोड़ा जा सकता है, सर टच पे केक से टूट जाए, टूट जा, ये तो अनब्रेकिंग है भाई, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता लगता है। बस लगता है क्रेडिट में जाना पड़ेगा इस पर। बस में इससे आपका गेम मोड भी सर्वाइवल रहता है और आप क्रिएटिव पे जा सकते, ये देखो क्रिएटिव पे इसको तोड़ भी सकते हो। यहाँ पर जाके आपको जस्ट टाइप करना है एंड। ओके गाइस, एंड टाइप करोगे तो ये देखो ये आ गया, ये अब मेरे पास 64 मतलब एक स्टैक हो गया। सो मैं इसको, मैं सोच रहा हूँ ना क्रिएटिव मोड में बना लूँ, वरना क्या होगा कि मैं जब उसके अंदर चले जाऊँगा, मैं नहीं नहीं ये सर्वाइवल में करना, मुझे ये सर्वाइवल में करना है, वरना आप लोग बोला भाई तू तो पूरा ही इस पर किया, उसका लाइफ प्रूफ दिखा रहा हूँ ये वर्क करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता। उसके लिए ये देखें सब सेम होना चाहिए, एक दो तीन सेम हुआ, एक दो तीन, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, एक दो तीन, ठीक है। अब इस ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर आइए, एक दो एंड तीन, एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ गाइस? लगता है मेरे को फिर से क्रिएटिव में जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा जादू टोना करना पड़ता है इसके लिए। अरे क्या हो गया, हलवा ये कर दिया मैंने, क्या हुआ एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, लगते तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, बाहर से लगाना वो लगता है अलाउ नहीं है। 1 2 3, एक इसके अंदर नहीं जाना, एक दो थ्री, रेडी गाइस, रेडी रेडी रेडी, भाई मेरे को इसके अंदर नहीं जाना गाइस, मेरे को इसके अंदर नहीं जाना भाई, मैं जाऊँ सर्वाइवल मोड में भाई, मैं जाऊँ सर्वाइवल में अभी। मैं सोचा था एंड पोर्टल के अंदर जाऊँगा, पर ये देखो इसके एंड पोर्टल के इधर आने से ना कुछ नहीं मिलता। मैं एक सस्ता बेड भी लेके आया था जो इधर नहीं गया ना। हाँ, और मैं और मेरे को जब कोई चीज़ दिखाने वाला हूँ, 1 60 एक स्टैक तो बची है मेरा, ठीक है, अच्छा है अच्छा है। तो गाइस, मेरे घर के सामने मेरे दोस्त हैं, ये तो क्या किया देख पा रहे हो गाइस? शिट यार, क्यों करना था उसको, ये किया तो किया मेरे घर के सामने, क्या खुद के घर के सामने कर लेता, इसको मेरे घर के सामने मिला था जगह, यहाँ पर ऐसे ही मैंने रखे थे जस्ट टेस्टिंग के लिए, पर टेस्टिंग तो काम में नहीं आया। गाइस, मैं आपको अभी मैंशन एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ठीक है गाइस? तो मैंशन एक्सप्लोर करते चलो, मैंशन आपको मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा कि इस मैंशन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और हंगर बढ़ रहा है भाई, खाना चाहिए, क्या खाना है क्या मेरे पास यार? फिर से मैंने मेरे घर पे रख के आ गया यार, मैं खाना क्यों भूल जाता हूँ बार बार, खाने से इम्पोर्टेंट गाइस, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो और एक चला गया, मतलब यहाँ पर, वहाँ पर ना बहुत सारे मॉब्स भी होते हैं, ठीक है, तो मैं इसलिए
पहले उसको क्या किया था, सर्वाइवल में ट्राई कर लिया मैंने। मैं भी पहले एक अकेले बार सर्वाइवल में ट्राई करके फिर इसको बना रहा हूँ, वरना मैं वहाँ पर जाकर मर जाता ना, तो यहाँ पर बस बहुत सारी एन्चेंटेड चीज़ें हैं तो वो चली जा सकती थी। पर और भी कुछ बेक्ड चीज़ें ले लेते। चलो आ गई, आई ऑल ड्रॉ थी बोला था ना ये वाली ड्रॉर होगी। देखो मेरे पास एक स्टैक पूरा ब्रेड का है, ये मैंने वीट बस वाई पर शो के लिए रखा है कि भाई क्या करेंगे लेके। और ठीक है भाई, इसके लिए मैंने वहाँ पर वीट रखा है, वरना ये वीट मैं चेंज कर लेता। ये देखो कितने सारे वीट है, कितने सारे कैरेट्स है, मैं चाहूँ तो मैं इनको काट भी सकता हूँ, पर ये ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। पहला ये बड़ा मैंशन भाई, ये बड़ा मैंशन मैंने बनाया नहीं है। यहाँ पर बस एंट्रेंस और एग्जिट की थोड़ी सी बात है, क्योंकि ये देखो नीचे इतना बड़ा खाली क्यों है वही मुझे पता नहीं चला। मेरे दोस्त ने बोला भाई ये मैंशन ऐसी है, तो मैंने बोला भाई नीचे से खोखला होगा क्या मैंशन, तो उसने बोला भाई जो जो मालिक ने बोला है, तो मैंने बोला मालिक तो मैं हूँ ना इस वर्ल्ड का, तो उसने बोला नहीं 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 जिसने ये मैंशन मेरे को बनाने को बोला। तो मैंने बोला भाई जिसने तेरे को ये मैंशन बनाने को बोला उसके क्या सिर पे क्या चोट लगी थी क्या 3 दिन पहले। ये देखो गाइस इसको मैंशन बोलते हैं गाइस। एक तो अंधेरा इधर जब जब देखो ये मेरी मॉब है बोला था। ये देखो स्केली स्केली गाइस दिख रहा है आपको स्केली, मेरी स्वॉर्ड का है, नॉकबैक की स्वॉर्ड चाहिए। अब रुक 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 तू आना मार ना, रुक ना रुक अभी रुक तू, हेड ही खाएगा अभी, तो हेड खाएगा भाग यहाँ से। कौन मार रहे, अरे स्पाइडर भाग यहाँ से। हाँ देख रहे ना ये वाली स्वॉर्ड है मेरे पास, तब क्यों आ रहे भिड़ने। और ये तो ये इसका मतलब वो जो नीचे वाला जो रहता है वही, ये देखो ऊपर जाने का स्टेयर्स भी, मैं इधर से नहीं जाऊँगा, जाना है तो मैं एक मतलब प्राइवेट जगह है वहीं से जाऊँगा आपको लेके। बहुत मॉब है गाइस, बहुत मॉब है, यहाँ से मॉब आ सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे दोस्त से बात करके ये जगह बंद करके ना एक डोर लगा लूँ। आना बाहर आना। ओ भाई सनफ्लावर भी है इधर, ओ भाई मस्त है। पर नीचे इसका कहीं पर एंट्रेंस है, रुको आपको दिखाता हूँ उसका एंट्रेंस, यहीं से कहीं पर इसका एंट्रेंस है। और ये क्लाइंबिंग किस लिए रखा है, ये देखो ये स्टेयर्स किस लिए रखा है पहले तो ये बताओ यार। ए जंप जंप कर ले, जंप भाई जंप नहीं होता, फालतू के स्टेयर्स रख दिए, चोरी कर सकते हैं इधर से कोई भी आके। हाँ सही बोल रहा हूँ, ये देखो नीचे इतने सारे मूव्स, यहाँ पर पानी डाल दे तो देखता क्या होता। यहाँ पर से पानी डाल देता और यहाँ पर एक टॉर्च, अरे वहाँ पर एक रिवर वक, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ ना इस मैंशन के बाद मत आना गाइस, मैं बड़ा वार्निंग देकर रख रहा हूँ इस मैंशन को ना गाइस। मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ इधर, इसका मेरे को अभी तक सही से एंट्रेंस पता नहीं है, इसको अंदर जाते कहाँ से। और मेरे दोस्त बोला भाई यह बहुत ब्यूटीफुल सा मैंशन है भाई, अंदर से भी खोखला बाहर से भी खोखला ये मैंशन, रुको आपको दिखाता हूँ इसका एंट्रेंस मिल जाए ना मुझे तो गाइस। ये पूरा पर रात क्यों हो जाती है इतनी जल्दी भाई, मेरे पास ऐसे भी स्मिथिंग 3 की है तो कोड़ दूंगा मैं, मेरे को ये जाता आता नहीं है। एक टेराकोटा ब्लॉक है मेरे पास वाइट, इसका दाम पड़ा नहीं जाता टेराकोटा का, इसलिए दो भाई एक साथ घूम रहे हो, इसलिए दो भाई एक साथ। इधर से कैसे एंट्रेंस हो गए, ओ भाई बहुत अंदर है भाई। इसका मैंने एंट्रेंस ढूंढने में ना जितना टाइम लगाया ना उतने ही कम बोलो। ये और एक ये तो मेरे लिए से प्राइवेटली बनाया है कि भाई तू आके रहेगा इसलिए तेरे लिए एक बना दिया मैंने। मैंने बोला मेरे लिए किसी ज़रूरत था, तू अपने उस मालिक के लिए काम करते जिसने तेरे को ऑर्डर दिया मेरे घर के सामने के इतना बड़ा बना दे। ए स्केली मत मार, ओले
हेडशॉट खा, तू हेडशॉट खा, हेडशॉट खा। गाइस आपको जहाँ पर स्किल दिखे ना, मेरी एडवाइस मानो, मार डालो। इसकी एंट्रेंस तो पहले मुझे पता नहीं चल रही। भाई विच, भाई विच, भाई विच, भाई विच, विच विच, भाई 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 भाई। पोषण 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 देने से पहले इसको जलाओ पहले। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मॉब्स देख रहे हो गाइस, मॉब्स देख रहे हो गाइस। मैं पहले मेरे इस ब्यूटीफुल मैंशन को भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। चलो इस मैंशन को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर जाना ना बहुत टफ है, मैंने इसका पूरा एंट्रेंस ढूंढ लिया, मेरे को ही मिल नहीं रहा। ये पानी ने तेरे को बचा दिया, लावा करके मारूंगा तेरे को। रुक जा रुक जा रुक जा, वो नहीं लाया ना इसलिए हाथ से धुलाई हो रही तेरी। वो लाता ना तो इसको यहीं पर ही मार डालता। ये देखो गाइस, ये है मेरी ब्यूटीफुल सी मैंशन, जहाँ पर एक फ्लोर है और एक दूसरा फ्लोर है। तो मेरे को ये वाला मैंशन, इसी के पास वाला मैंशन है, मुझे मॉब मैंशन लगा। मतलब पूरे जब पर मॉब्स रहते हैं ना, ये देखो क्या ब्यूटीफुल है। पर यहाँ से गिरने का भी चांस बहुत ज़्यादा है, पर ब्यूटीफुल दिखने में। ये ऊपर वाले फ्लोर में मैंने टॉर्च लगाया, वरना घर तो खाली था। फिर मैंने ये घर करीबन करीबन 5 डायमंड लेके ख़रीद लिया। तो कहीं से अभी सो जाते हैं, सुबह को उठते हैं, फिर अपन लोग एक सेकेंड जगह पर जाएंगे। उसके एंट्रेंस भाई मैं आपको एक नई वाली वीडियो बनाऊंगा उस घर के ऊपर, वरना ये अलग सी वीडियो बनाने में ना पूरी मतलब ये गुजर जाएगी। बहुत भूख भी लगी है भाई। घर पे खाने को कुछ रखा कैसे ने? देखते हैं कुछ होगा तो भाई खा लेंगे। अच्छा वो केक था, एक स्लाइस से भर गया इसका पेट। ये ज़्यादा मैं खाता भी नहीं हूँ ज़्यादा, ऐसे में ज़्यादा भूखे पेट में रह जाता हूँ। इधर आके फूटना, हाँ घर को तो कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तू हार्डकोर मोड में खेलूँ तो कोई भी आके कूट जाता है। फर्नेस पे खाना पका सकते हो गाइस। अब केक से ना हंगर डबल होती है, ठीक है, तो इसलिए मैं केक बहुत ही कम खाता हूँ, ठीक है। और ये है मेरा टावर। सो गाइस ये है मेरा टावर, और टावर क्या ब्यूटीफुल है गाइस। आप लोग ना इसको बाहर से ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ठीक है, अंदर ना ये टावर जस्ट एज अ बिल्डिंग है, ओके। सो मैंने इस टावर को बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने बोला भाई ये टावर भी बना दे। उसने मेरा पहले जब इसका जो वो होता है ना, जो बना के देते हैं स्केच टाइप, वो मैंने देख के बोला कितना ब्यूटीफुल टावर है भाई, मेरे को भी चाहिए ऐसा टावर। सो भाई बनाने के बाद मैंने देखा इसके अंदर कोई रूम नहीं है। फिर उसने बोला भाई आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक पर्सनल रूम बना के दे रहा हूँ, टॉप सीक्रेट। भाई ये रूम है भाई, ये अनलिमिटेड मॉब सोर्स है, एक्सपी फार्म बन जाए मेरे इसमें। ये देखो रूम दिया है, कौन कैसा रूम है भाई, पूरा आयरन का है भाई, पूरा आयरन का भाई। इसको मैं तोड़ भी सकता हूँ, ये देखो। ओ भाई देख देख, एक शॉट में टूट गया। क्यों पिकैक्स वैसी है मेरे पास भाई, पिकैक्स देख रहा हूँ, मतलब तेजी देख रहा हूँ पिकैक्स की। आयरन और तोड़ दे रहे इतनी जल्दी, क्या बोले हम। और इसलिए हम ज़्यादा सिल्क टच की पिकैक्स यूज़ करते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना इधर एक शाही वाली एंट्रेंस बना देंगे, वाटर वो भी बना देंगे, पर इसकी एंट्रेंस भाई अभी भी ढूंढ नहीं पाया मैं। इसका मैंने एक पूरे मैंशन का एक अलग से क्रिएटिव में ट्रिप दिखाऊंगा, क्योंकि ना गाइस इसको सर्वाइवल में दिखाने का मतलब है कैसे घूमते रह जाना, और उसमें दिखाना भी नहीं होगा। और ये है और एक मैंशन जो मैंने मेरे दोस्त को बोला था बनाने को, मैं और ये मेरे दोस्त बनाया मिलकर भाई, बहुत मेहनत लगी है। ये मैंशन आपको दिखाने के लिए मैंने करीबन 3-4 दिन की तो मेहनत कर ली भाई इसके पीछे, 3-4 दिन। तब भी मैं और मेरा दोस्त अकेला नहीं था, उसका भी दोस्त भी बहुत जन थे, 5 जन मिल के बनाए इसको, और आराम से बन गया क्योंकि ये वर्ल्ड तो मेरा ही है। कह सकता हूँ रॉयल मैंशन लग रहा है मेरे को। ये जो एंट्रेंस आ रही है ना भाई, कथई जहर जहर भाई। ये देखो इसके अंदर जाने से एग्जीक्यूटिव रुक आता है। ये देखो रेड कारपेट, ये एक डोर खोलो। ओ भाई साहब
जो घर का अंदर वाला जो ये जेस्चर है ना भाई, इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो गाइस, एक टेबल और ये कुछ नहीं। और भाई अंदर जाने का भी डोर है। एक सेकंड एक सेकंड, इस ग्लास को तोड़ के नीचे नीचे जा सकते हैं क्या? इस इधर जाके देखूं? नहीं, है जाने का जगह नहीं है। ये देखो गाइस, क्या डाइनिंग टेबल भाई, डाइनिंग टेबल है ये भाई। मैं बैठ के थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। ए शील्ड मत आ भाई, बहुत टेस्टी केक है, बहुत टेस्टी भाई। मुझे को लग रहा है ना ये केक में लेके चले जाऊँ। और यहाँ पर भाई आग सेकने की भी जगह देख लो भाई, क्या ओपी लग रही है ना। और इधर शलकर बॉक्सेस भाई उल्टे लगाए हैं, तब भी सीधे लगा देते हैं, कुछ रख भी पाता मैं इनमें। और ये है मेरा सीटीवी भाई, ओपी। ये मैं चेंज करूँगा शलकर बॉक्सेस। इसका फर्स्ट फ्लोर तो हो गया, इसका सेकंड फ्लोर में चलते। चलो ये फर्स्ट फ्लोर ही है, मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं इस घर में एक बार ही आया हूँ। और ये जो बनाया है ना, देखने जैसा है, देखने जैसा। ओ भाई ये है किचन गाइस, ये है किचन। किचन में बस ये दो सीट जो रसोई में आएंगे। और ये तो हमारा वो कूल सा डाइनिंग हॉल। पर यही एक दरवाज़ा जिससे मतलब ये घर का ना बहुत बड़ा इंटीरियर है मेरे को। ये देखो गाइस, ये है अपर ऊपर वाला फ्लोर भाई, क्या क्या एग्जीक्यूटिव लुक है ना। ये देखो गाइस, ये है बेडरूम, इसके अंदर बेड लगाना पड़ेगा मुझे। ये देखो गाइस कारपेट, ये देखो वूल है इसके अंदर, ये देखो वूल है, मतलब मैं इधर बेड लगा सकता हूँ। ठीक है गाइस, बेड लगा देंगे। ये घर में अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हम लोग का, हमारे पुराने घर पर। ये वॉशरूम, ओपी वॉशरूम गाइस, ओपी वॉशरूम। चलो ये वॉशरूम तो अच्छा खासा बना है, बेसिन भी सही है, बेसिन सही है, बेसिन बहुत ही अच्छा बना है। यह एग्जॉस्ट मतलब जो होता है ना बाथरूम में बैठ के स्मोकिंग, उसके लिए मैंने एग्जॉस्ट उसने लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया भाई। एक रूम बहुत अच्छा है, मैं इसको भाड़े में दूँ या अपने पास रखूँ पहले बताओ गाइस। ओ भाई क्या रूम है भाई, क्या रूम है ये क्या रूम है, और कुछ शाही लग रहा है मुझे भाई। आई फील बेटर हियर मैन, क्या लग रहा है भाई, इतने सारे रूम लगता है हमने हमारे लिए बनाए ऑब्वियसली, क्योंकि हम सभी रहेंगे ना इसमें। यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल सब है गाइस, सब। ये ब्रेड ये आधा पड़ा हुआ है, मेरे दोस्त लोग ना पार्टी करके छोड़ देते हैं। और दिस इज ओनली लाइब्रेरी गाइस, लाइब्रेरी में एक छोटा सा मतलब केक टाइप रखा है। और यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड, कुछ पोशन वोशन बनाने हो एक्सपेरिमेंट के लिए। और यहाँ पर भाई अच्छी सी एक टेरेकोटा की डेकोरेशन। और इधर एक ये लगाना है मुझे, बस इसके लिए आया था। और यहाँ पर और एक एग्जीक्यूटिव एन्चेंटमेंट रूम भाई, ओपन में एन्चेंटमेंट। ओ भाई क्या व्यू है भाई यहाँ से, वो टावर भी अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। यहाँ से ना ये जो एन्चेंटिंग रूम बनाया ना, यहाँ पर टावर भी अच्छा लग रहा है बहुत। सो गाइस ये है ये ऊपर वाले कुछ फ्लोर भाई, दरवाजा बंद कर लो। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना कुछ विलेजर्स को आके ना छोड़ दूँ यहाँ पर, क्योंकि विलेजर्स रहेंगे तो ये घर भी सुनसान नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ गाइस कि एक तो विलेजर्स पकड़ के लाए जा सकते कि नहीं, पर वो मुझे ना ऑफलाइन में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं सब मतलब ये वीडियो के अंदर ही सब कर लूँ। और मैंने ना क्या किया, क्रिएटिव में जब आया था इधर, मैंने सोचा ये देखो स्वॉर्ड रख देते, ये सब मेरे दोस्त लोग के हैं। ठीक है, मैंने इधर ना बहुत सारे स्वॉर्ड्स थे, तो मेरे दोस्त ने बोला भाई मेरे पास अभी स्वॉर्ड नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है तेरे को दे दूँगा, तो दे दिया उसको। और ये हमारी शाही एग्जिट भाई साहब, घर भी क्या है भाई, घर क्या, ये तो डबल लग्जूरियस मैंशन है भाई, इतना बड़ा गार्डन भाई, इतना बड़ा। ओ भाई वहाँ पर एक वेयर हाउस है, देखना पड़ेगा जाके हट अरे। ओ भाई एक वेयर हाउस है भाई, एक वेयर हाउस है, ओहो मस्त है। चलो देखते हैं जाके वेयर हाउस में। वेटिंग रूम भाई, वेटिंग रूम कितना मस्त बना है ना।
ओ भाई साहब, भैंस की। ये भाई हमारा ही रूम है। ओ भाई, गेस्ट रूम। कभी सोचूं भाई, गेस्ट रूम है ये। ओ भाई, कितना प्यारा है भाई ये घर। भाई मेरा है, आज से मैं इसको भाई बाय कर लेता हूँ। भाई कितने सारे गेस्ट रूम है। ये तो मैं घूम के आया। ये देखो, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। भाई साहब, ओ ओ ओ हो ओ हो भाई, ये थोड़ा सस्ता वाला है, वो थोड़ा महंगा वाला है। इसको मैं ना होटल भी बना सकता हूँ, तो इनकम बहुत अच्छी होगी होटल। और ये देखो गाइस, पार्टी शार्टी के लिए सब जगह है मेरे पास। पार्टी करेंगे इधर बैठ के, पार्टी करेंगे भाई पार्टी। अब दोस्त लोग के साथ खेलूंगा ना मैं। यहाँ पर देखो स्विमिंग पूल होगा, स्विमिंग पूल। अब अंदर चले। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, ये इसकी खासियत। मतलब मैं स्विमिंग पूल के अंदर भी आ गया ना, तो मतलब तब भी ये देखो, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे जाऊँ, यहाँ से उठने का जगह। आ ये लो पानी, एक लेयर का पानी है गाइस, एक लेयर का, ओनली जस्ट वन लेयर गाइस। बहुत ओपी तरीके से बना है इसका। मैं सोच रही हूँ इसको लेवल कर दूँ, ये जो लेवल है ना, ये लेवल कर रखे ना, इसके अंदर भी पानी भर दूँ। और इधर ये तो हमारा आउटसाइड ही है। देखो गार्डन देखो गाइस, मतलब गार्डन इतना स्पेशल भाई, ये सुपर मैंशन ना, मजा ही आ जाता। और भाई विलेजर हॉल भाई, ये स्विमिंग के लिए बनाया है, किस लिए बनाया है? ओहो, अब समझ में आया। ये ना वो जो होते हैं ना, ओ शिप वीप रखने के लिए। हाँ तो ये कैटल वाला रूम है भाई। हाँ ओ भाई, मैं क्या सोच के बैठ गया। इतने सारे क्राफ्टिंग टेबल, इतने सारे चेस्ट गाइस। मैं इधर बहुत सारे एनिमल रखने वाला हूँ। और ये जो गेट है ना, इसको चेंज करके ना मैं एक मतलब अच्छा सा खासा सा गेट बनाने वाला हूँ। और यहाँ से मैं कैसे ऊपर? ओ हो, अब समझ में आया। ये जो है ना, इससे भी करके, ये घर का बैक साइड है। ओके सो गाइस, फिर से भूख लगी, याद वाला खा लेता हूँ मैं। और बहुत रात भी हो रही है, मेरे को अभी सोना भी है, बहुत जोर की नींद लगी है। और घर पे भी मैं, मेरे घर पे भाई, क्रीपर क्रीपर, आ जा 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 आ जा। मरेगा भाई, मैं कोलम पहले, मैंने यहाँ पर बहुत सारे टो। ओ भाई शीप है। ओ हो भाई, मतलब यहाँ पर रोशनी भी बहुत अच्छी है, मतलब इतने सारे मॉब स्पॉन नहीं हो रहे। जस्ट देख दो भाई। ओहो भाई, ये एकदम एग्जीक्यूटिव लुक लग रहा है भाई। ये हमारा आज से परमानेंट मैंशन। ओके गाइस, यहाँ पर ही अपन लोग आज से आके रहेंगे। ओके बस यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देंगे गेट की तरफ, कि जैसे कोई अंदर ना आ पाए। यहाँ पर इस जाते हैं कि आज रात यहीं पर एक गुजारते, चलो आज रात यहीं पर गुजार के देखते हैं। और गाइस 13 तारीख को मेरा स्पेशल एपिसोड मिस मत करना गाइस। 13 तारीख को मेरा स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि 13 तारीख को मेरे दोस्त आ रहे हैं, और उस टाइम मैं एक स्पेशल एपिसोड बनाने वाला हूँ मेरे दोस्तों के साथ। इन कोई भी हो सकता है वो, मतलब माइनक्राफ्ट हो सकता है, मतलब नॉन माइनक्राफ्ट भी हो सकता है। वो मैं आपके लिए एक बिग सरप्राइज रख रहा हूँ। ये मतलब ये तो शाही मैंशन गाइस, क्या ही बोलूँ, और बोलने को तो कुछ है नहीं। एक मतलब एक ऐसे नॉर्मल रूम है। ओ भाई साहब, मैं मेरे वाले बेड में सो जाता हूँ भाई। इतने इतना महंगा बजट भाई, मैंने भी आज तक नहीं रखा होगा भाई इतना इतना महंगा बजट। भाई साहब आपको एक्सप्लोर करते करते ना, ये मतलब मैंने ना भूल ही गया कि ये वीडियो इतनी लंबी हो रही है। सो गाइस याद करके आप ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना गाइस, आपको ना इतना मजा आएगा। और जिस चीज को मेरे साथ माइनक्राफ्ट खेलना है मेरे साथ, तो गाइस आप लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है डार्क शायन _10। ओके गाइस, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं वहां पर सबके साथ बात करता हूँ, मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी देता हूँ। तो गाइस याद करके मेरे को फॉलो कर लेना, और लाइक एंड शेयर तो ऑब्वियसली कर ही दोगे लगता है आप। हाँ तो कर देना भाई, लाइक एंड शेयर तो ठोक के कर देना एकदम।
So that's it for today guys. Chalo, bye bye. See you in next video guys. तो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है गाइस, मिस मत करना वरना आपको कहाँ कैसे पता चलेगा मेरा राज कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या राज या क्या तड़का मैं लाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट एकदम से मिस मत करना, बहुत ओपी होने वाला है इसका नेक्स्ट पार्ट। होप यू एंजॉय। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो दैट्स इट, टाटा बाय बाय।